हे गाइस, आज मैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक विलेज का सीन पेंटिंग करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एक राफ करके एक स्केच कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो स्केच है ये सिर्फ एक आइडिया है, मतलब कहाँ पर मैं क्या क्या पेंट करूँगा इसका सिर्फ पहले मैं एक आइडिया लगा लेती हूँ। बाद में ये चेंज भी हो सकता है, मतलब पेंटिंग करते करते अगर मुझे लगे कि इसमें एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है तो वो भी मैं बाद में करूँगा। मतलब ये स्केच एक्यूरेट स्केच नहीं है कि ऐसा ही दिखेगा जब ये पेंटिंग कंप्लीट होगा, मतलब ये सिर्फ एक आइडिया है। ठीक है, तो देखिए, अभी देखिए मैं कलर करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्काई का जो कलर है, स्काई ब्लू, वो मैं यहाँ पर दे दिया है। तो स्काई ब्लू देने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये जो घर है, घर के पीछे जो पेड़ है, ठीक है, दूर का पेड़, उसके बाद जो पास वाले जो पेड़ है, ये सब पेड़, मतलब दूर का पेड़ और पास के पेड़, इन पेड़ों में भी बहुत डिफरेंस होते हैं कलर में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो आज का जो पेंटिंग मैं कर रहा हूँ ये अर्थ कलर से कर रहा हूँ, मतलब जो कलर मैं यूज़ करता हूँ अर्थ कलर, एक तरह का नेचुरल पाउडर कलर होता है। तो अगर आप इस कलर के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इस कलर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी दे रखा है। और अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप इसके बदले में एक्रेलिक कलर से ये पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेंटिंग करने का जो तरीका मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ ये पूरा ही एक्रेलिक स्टाइल है, मतलब एक्रेलिक टेक्निक है। तो इसीलिए अगर आपके पास एक्रेलिक कलर है या फिर पोस्टर कलर है तो आप उस कलर से इस पेंटिंग को आसानी से कर सकते हैं, ऑयल पेंट से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है vishwanathart.in। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अच्छा टेराकोटा और भी अदर्स मटेरियल का मूर्ति मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जरूर जाइए और अपना फेवरेट मूर्ति का ऑर्डर बुक कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। मेरा जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने दे रखा है, मेरा जो फेसबुक का लिंक है, मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है, इन सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना बाद में भूल जाएंगे, वीडियो में खो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को करते हैं और आप भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अगर आप ऐसा पेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप करते करते देखते हैं, तो उनको क्या होता है, वीडियो को जो पार्ट है पेंटिंग का वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा जो फेसबुक है उसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को करते हैं और आप भी देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पेंटिंग ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और मेरा जो वेबसाइट है bishwanathart.in, वहाँ पर एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।